सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में औरंगाबाद के रमज़ान और उसकी रौनकें आज दुनिया के किसी भी इलाके में बैठकर आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे 19वीं और 20वीं सदी के तौर तरीक़े, सहर व इफ्तार, बाज़ार, खान पान, पहनावे और इबादत की, यानी औरंगाबाद के पुराने रमज़ान की। रमज़ान का चांद जब नज़र आता तो लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दिया करते। रमज़ान या ईद का चांद देखने शहर से कुछ लोग दौलताबाद जाया करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि निज़ाम हुकूमत में चांद देखने के लिए लोग दौलताबाद के चांद मीनार पर चढ़ा करते थे। औरंगाबाद के ग़ुलाम अहमद हाशमी साहब, जो मारूफ़ मज़ा निगार मुईज़ हाशमी के सगे मामू हैं, निज़ाम दौर हुकूमत में मौलिम या टीचर के अहदे पर फायज़ हुए थे। आपकी पैदाइश सन 1933 की है और 2024 में आप उम्र के 91 बरस में हैं। इस ख़ास मुलाकात में उन्होंने औरंगाबाद और रमज़ान के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें बताई हैं। जैसे जैसे रमज़ान का महीना करीब आता था, लोग इंतज़ार करते कि रमज़ान का चांद कब दिखता है, और देखने के हर एक शौक़ होता था। एक सब मकान ज़्यादा ऊँचे नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग जैसी मगरिब की नमाज़ पढ़ के कुछ बाहर निकल के देखते थे, कोई अपने मकान की छतों पर चढ़ते थे, कोई इंतज़ार करते कि दौलताबाद में जो किला है वहाँ पर जाके लोग हैं, वहाँ से इत्तला आती थी वहाँ दिख गया बोले चांद, तो वो इंतज़ार करते थे। तो वो जितने अपने हद तक कोशिश करते, जब चांद नज़र आता तो महल्ले बच्चों की धूम होती थी, चीख पुकार, सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। औरंगाबाद के मारूफ मज़ा निगार सईद ख़ान जैदी साहब अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं, रमज़ान के महीने में फ़कीर हर गली और सड़क पर नज़र आते थे, कुर्ता और लुंगियाँ पहने, हाथ में खंदील होती थी, ये ढोल, ताशा, चिमटे, दफली या कोई आसा या लाठी लेकर अलग अलग कलाम या नज़में पढ़ते। वो कलाम कुछ इस तरह से होते, मुल्क यमन में लड़का था एक 8 साल का, ऐ सोने वाले जाग ज़रा, तकदीर बदलने वाली है, वो निकला है देखो सुबह का सितारा। उठाने के लिए सुबह वो 3-4 घंटे जैसे वो फकीर आते थे, कोई ढोल बजाने वाले रहते थे, कोई दफ बजाने वाले रहते थे, उठाते थे, उठो उठो शहरी के लिए उठो, वक्त करीब है, उठिए, कुछ अपने नात वगैरह गाते थे, कुछ सवाल में कुछ वो देखो निकला सुबह का तारा, कुछ ऐसा करते थे, कुछ दफ बजाने वाले, तो वो उनके हर एक के अपने मुर्शदों के औकात हुआ करते थे, फलान टाइम आ गए, फलान मुर्शद आ गए, अरे चलो बहुत आ गए, अब ये मुर्शद आ गया, अब फलान मुर्शद आने वाले। 1960 से 1965 के दौरान शहरी में बेदार करने वालों में खवालों का एक ग्रुप हुआ करता था। सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहने, बड़ी शान से आवाज़ लगाया करते, दामन नबी का ना छोड़ मुसलमान, पीछे किसी के ना दौड़ मुसलमान। उन्हें आम जबान में लोग दामन नबी वाले कहा करते थे। इसके अलावा बुड्डीलैन में एक खातून हुआ करती थी जो बाजे वाले खाला के नाम से मशहूर थी। शहरी के लिए जगाने वालों में शाह बाज़ार के एक साहब ढोल वाले मुर्शद के नाम से मशहूर थे। लंबे ख़त के मुर्शद के गले में बड़ा ढोल लटका हुआ होता था जिसे वो छड़ी से बजाया करते थे। माटी के पुतले को दीमक लगी और अल्लाह अल्लाह बोल, इस तरह के कलाम वो पढ़ा करते थे। तो जैसे जैसे मुर्शद आते जाते थे और घरों में फिर पकाने की तैयारियाँ शुरू हो जाती थी, लकड़ी के चूल्हे थे उस ज़माने में, वो गैस वगैरह कुछ था नहीं, तो चूल्हे अपना रोटियाँ पकड़ी किसी घर में, तो वो रोटी की खुशबू आती कि सालन पकड़ा कि पका पका तैयार रखते थे, तो शहरी को गर्म कर लेते सालन वगैरह, फिर उसके अलावा तुम्हारे एक दूसरे के घरों में अड़ोस पड़ोस से हमारे पास का सालन, तुम्हारे पास का सालन हमारे पास, इसका ऐसा एक वो भी होता था कि रिवाज था, वो बहुत दिनों तक रमज़ान में नहीं हमेशा रहा करता था वो पड़ोस में। अब मुझे अच्छी तरह याद, हमारे बड़े भाई साहब भी खाने बैठते थे, तो हमारे सालन मंगा ले बोले बाद बोले खाले से, तो हमारे पास अम्मा कटोरे में लेके दो तीन चमचे उसमें सालन अपने पास का डाल देना, और हम ले जाके पड़ोस में देते थे, तो वो सामान निकाल सालन निकाल के उनके पास का जो सालन वो हम लेके आ जाते थे, ऐसा 2-3 घरों के 3-4 किस्म में सालन जमा हो जाते थे। निज़ाम दौर में शहरी का वक्त जब ख़त्म हो जाता तो तोप दागी जाती जिससे मालूम हो जाता कि शहर का वक्त ख़त्म हो चुका है। इसी तरह इफ्तार के वक्त भी किया जाता। तो वो जब निज़ाम की हुकूमत थी तो वो ज़माने में ये रंगीन दरवाजे के पास एक ऊँचा चबूतरा था शाही मस्जिद का सामने का हिस्सा, वहाँ पर एक तोप थी ज़माने कदीम की, तो वो तोप का जो है कि इस्तेमाल ये शहरी के वक्त शहरी के लिए मुर्शद तो उठा के चले जाते थे, लोग अपने अपने घरों में शहरी करते थे,
जब शहरी का वक्त ख़त्म हो जाता था तो तोप जो है उसकी आवाज़ बारूद भर के उड़ा जी धमाका होता था, तो वो पूरे मैंने शहर भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ करता था ज़माने, आबादी बहुत महदूद थी, एरिया बहुत महदूद था, लोग कम थे, तो वो शहरी की जब जैसी टोप होती थी तो समझो शहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो लोग शहरी बंद कर देते थे। फिर वो उसके अलावा शहरी इफ्तार के वक्त फिर दूसरी मरतबा इफ्तार का जब वक्त होता था फिर तोप दागी जाती थी, तो फिर जब तो दागी जाती थी तो उस वक्त लोग इफ्तारी करते थे, तो इफ्तारी के वक्त और शहरी के वक्त वो तोप का धमाका होता था। वो अच्छा वैसे वो तोप का इस्तेमाल आम दिनों में भी होता था, सुबह यानी दोपहर में 12 बजे तोप होती थी तो लोग बोलते थे 12 की तोप हो गई, और 8 बजे फिर एक तोप होती थी तो घरों में बोलते थे चलो 8 बज गए 8 की तोप हो गई, तो वो एक वो तो ऐसा भी तरीका था उसका तोप का। बाद के दौर में शागंज की घड़ी से सहर और इफ्तार के वक्त सायरन बजाया जाता था। इस घड़ी के मेंटेनेंस का काम औरंगाबाद बल्दिया ने बॉम्बे वॉच कंपनी के मालिक तुराब खान साहब को दिया था। इसी के साथ साथ नफीस रेडियो बुड्डी लैन और इकबाल रेडियो मुलमची बाज़ार से ऐलानात होते। आगे चलकर जब लाउड स्पीकर का ज़माना आया तो लाउड स्पीकर से भी ऐलानात हुआ करते थे। रात के 3:30 बजे जूना बाज़ार के ख़दीम खाना मस्जिद से मौज़न हयात खान की आवाज़ में पहला ऐलान होता, उठो मेरी माओं और प्यारी बहनों, सहरी का सामान तैयार कर लो। 4:15 बजे चौक की मस्जिद से ऐलान होता, इस वक्त रात के 4:15 बज रहे हैं, सहरी के लिए उठ जाएं। तकरीबन 700 साल पहले खुल्दाबाद में नखार बजाकर ऐलानात किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। 700 सालों से आज भी इफ्तार के ऐलान के बाद खुल्दाबाद में नखार बजाई जाती है। ये जो नखारे का आपने पूछा है ये 700 साल का कदीम रिवाज है, जो फजर में भी सहरी के टाइम बजता है और इफ्तार के टाइम भी बराबर बजता चला रहा है। ये बुजुर्गानी दिन से ज़माने से चला रहे हैं, और जो लंगर का इंतज़ाम है ये भी जो है हर साल सहरी मतने रमज़ान में जो है लंगर बजता है। 65-70 की बात कर रहा हूँ मैं, जिस टाइम का ज़माना उस टाइम को इनसे नखारे भी रोज़ा खोला जाता था और सहरी भी नखारे भी हो जाती थी, और इफ्तार के टाइम सब यहाँ पर सब जमा होते थे हम बचपन में हमारे, और जो घर से अपने रोटी और सालन वगैरह ला के यहाँ पर सब जमा होते थे और रोज़ा नखारा बजता था उससे रोज़ा खुलते थे। इस तरह से यहाँ पर जब ये रिवाज चल रहा है, बाद में फिर लंगर का इंतज़ाम शुरू हुआ, लंगर भी जो है इफ्तार के पहले पहले सब तकसीम होता था, अपने अपने घरों में ले जाते, बाकी यहाँ बैठ के सब रोज़ा इफ्तार करते थे। नखारा जो पहले उस टाइम बड़े हुआ करते थे, बहुत बड़े थे, जो आज भी वहाँ सामने रखे हुए हैं, वो चमड़े के मर करके और उस टाइम बजाया जाता था, ऊपर जो आशुर खाने के ऊपर बैठ के वहाँ बजाया जाता, पूरे गाँव में जो है इसका आवाज़ गूंजता था और सब उसी पर सहरी करते थे और उसी पर जो है इफ्तार करते थे। जैसा नकारा जो बोले थे चमड़े का, तो चमड़े की जो है तासीर अलग थी, वो उसको है ना इफ्तार से पहले जो होते यहाँ रोटी तंदूर लगता था ना तो उसको सेकते थे, उतना जो है तो काफ़ी आवाज़ उसकी गूंजती थी, बहुत बड़े बड़े थे, उसकी बड़ी लकड़ी रहती थी तो पहले उसमें बजाते थे, अब जरा चमड़े का प्रॉब्लम है तो उसको बना चमड़ा बड़ा मिलता नहीं अभी, फाइबर में बजते। मर्द हजरात ज़्यादातर मस्जिद में ही इफ्तार किया करते थे, मसाजिद और पड़ोस में इफ्तार देने का भी ख़ास तरीक़ा होता। अपनी इस्तेताद के मुताबिक लोग बर्तन में इफ्तार के लिए फल और पकवान रख देते, कोई बड़ी थाल में ये सामान रखता जिसे आम जबान में शीन कहा जाता है, इसके ऊपर हाथ से बुना हुआ जालीदार कपड़ा डाल दिया जाता जिसे थालपोश कहते हैं। शाहगंज की मस्जिद तो बिल्कुल ऐसे कुशादा मान, सामने का कोई हिस्सा नहीं था, वो सामने जो ऐसे जो अब जो डाल देगा ना शेड, एक बड़ा असल ओरिजिनल मस्जिद जो आगे है, उसके बाद आगे बढ़ाते बढ़ाते साइन पे जो है पूरा शेड आ गया, उस जमाने ऊपर शेड नहीं था, सीमेंट का शेड नहीं, खुला था ऊपर फैसला, और वो वहाँ पर पूरे उस ज़माने में होते थे रज्जब के कुंडे, जो मिट्टी के कुंडे और आप खोरे, तो मस्जिद कुंडे होने के बाद तो कुंडे जैसे खाली हो जाते थे मस्जिद के हौज में ला ला के डाल देते थे, तो मस्जिद के वो जब जैसे ही रमज़ान करीब आता था मस्जिद के हौजों से वो कुंडे निकाल के इफ्तारी के लिए रख देते थे, तो जो भी अपने पास से रिकाबियों में कायम में जैसे जैसे रिकाब लोग लेके आते थे मस्जिद में देने के लिए इफ्तारी, तो वो ले लेके वहाँ के इंतज़ाम करने वाले कुंडों में ग्रुप रहते थे, 4-4, 5-5 के ग्रुप बढ़ते थे, 3 ग्रुप 4 का ग्रुप ऐसा टोलियाँ टोलियाँ, और कुंडे बीच में रखे रहते थे, तो कोई जो आने वाले लोग अपने साथ इफ्तारी का सामान ला लेते थे, पेंट का जो जाम मौज वगैरह जो कुछ ज़माने का होता था तो वो ला लेते थे। अच्छा उस ज़माने में एक और रिवाज था, आजकल नहीं खाने में नहीं आ रही, वो चने की दाल को भिगा देते थे रात में, दिन भर भीगने के बाद वो सहरी इफ्तारी के बाद नरम हो जाती थी, वो निकाल के उसके ऊपर काली मिर्ची नमक छिड़क के, वो बहुत ज़्यादा चलती थी मस्जिदों में,
और पेंट खजूर उस जमाने में, आजकल बहुत ज़्यादा किस्म के पेंट खजूर निकले, उस जमाने में एक ही किस्म की पेंट खजूर आती थी, तब वो ज़रा सख्त होती, चाबुल ज़्यादा सख्त थी, मुझे आजकल के ज़माने के लिहाज से वो ज़रा ऐसी होती थी। अच्छा सस्ता ही का ज़माना था वो, आज के हिसाब से हम उसको सस्ता ही बोलते, और लोग बोलते थे महंगे हो गए, ज़रा कुछ कीमतों की बढ़ गई। यानी सौ जो मुर्गी या मुर्गी की कीमत जो चार आने छः आने मुर्गी मिलती थी, और आने उस ज़माने होती रुपया होता था, रुपये में 16 आने होते थे और हर आने में 6 पैसे होते थे, इस तरह रुपये में 96 पैसे का रुपया होता था, उसको हाली रुपया बोलता था। निजाम गवर्नमेंट थी वो, तो उसमें उस्मानिया उस्मानी थे बादशाह मीर उस्मान खान, तो उसकी उस्मानिया सिक्का बोलते थे, और अंग्रेज़ों के दौर का जो था अंग्रेज़ भी उनका भी सिक्का चलता था, उसको कलदार का सिक्का बोलते थे, तो वो कलदार एक आने में 7 पैसे होते थे और हाली एक आने में 6 पैसे होते थे, तो दो एक पैसे दो पैसे में अंडा आता था और 6 आने 8 आने मुर्गी आ जाती थी। तो लोग अपना उस बार हम लोग बोलते महंगा हो गया महंगा हो गया, क्योंकि पैसा बहुत कम नज़र आता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो इतवार का बाज़ार यहाँ बनता था शाहगंज में, जब मंडी है ना मैं इतवार का बाज़ार भरता था, तो हमारी अम्मी जो है 1 रुपये के नोट देते थे, 1 रुपये बंदा, वो प्योर चांदी का हुआ करता था रुपया, इसमें मिलावट नहीं होती थी, प्योर चांदी का रुपया। तो वो बाज़ार में लेके जाते थे हम उसको छुट्टे करके, तो वहाँ पर एक रुपये में 2 थैलियाँ में ले जाता था, उसको लिस्ट बना रहे थे भाजी इतनी और अदरक लहसुन मिर्ची वगैरह सब कुछ, तो वो 1 रुपये दोनों थैलियाँ भर के हम लेती लेके आते थे। तो वैसे उसके लिए जैसे रमज़ान के आते थे कि रमज़ान के हिसाब से बाज़ार में करना पड़ता था, जब फल फ्रूट्स वगैरह कुछ थोड़े बहुत ला लेते थे, फिर घर का जो कुछ है घर में तलन घर में ज़्यादा होते थे, और भजी है उसके आपके बाजरे के खजूरें बनाते थे, गुड़ गुड़ मिटा के उसमें बाजरे के आटे में तलते थे बाजरे के खजूर गुलगुले, और ये इसके साथ दही बड़े, तो ये फिर इसमें इफ्तारी में भी जाते थे। जो बच्चे अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखते उनकी रोज़ा कुशाई में पूरा ख़ानदान शामिल होता, मस्जिद में घर के कोई बुज़ुर्ग या मौलवी इफ्तार की दुआ पढ़ाते, साथ में मस्जिद में बड़ी तादाद में गीली खजूर या पेन खजूर और उसी के साथ साथ इफ्तारी भी दी जाती। आँखों को अफशान लगाते थे, काजल लगा के अफशान लगा के, हाथों को मेहंदी लगाते थे लड़कियों को, लड़कों को भी जो अच्छे कपड़े पहना के अब हार वार पहना के मस्जिद में लाते थे रोज़ा कुशाई के लिए, उनके सरपंच वगैरह साथ में आते थे, तो वहाँ के इमाम साहब या कोई और बड़ा बुजुर्ग जो है वो पढ़ाता नियत कराता था, वो ऐसा रोज़ा कुशाई होती थी। उस दौर के होटलों की अगर बात की जाए तो निज़ाम दौर का जिक्र करते हुए वहीदा नसीम साहिबा लिखती हैं, रमज़ान या आम दिनों में लड़कों का शाम को देर तक घर से बाहर रहना अच्छा नहीं समझा जाता था। आपको ये मालूम करके ताज्जुब होगा कि उस दौर में चाय की सिर्फ 2 होटलें पूरे शहर में थी, एक शाहगंज और दूसरी चौक में। खाने पीने का सामान जैसे मिठाइयाँ चूड़े फल और बिस्किट वगैरह बाज़ारों से ख़रीद कर घर लाकर खाया जाता, सड़क पर खड़े होकर खाना बदतमीज़ी और बदतहजीबी समझी जाती। और रमज़ान में एक चीज़ और एक हुआ करती थी, जो भी होटलें थी छोटी मोटी, रात को तो सैरी के लिए सवार थे और दिन में जो होटलें थी तो होटल वालों को वो था एक पाबंदी थी कि जो होटलों के सामने पर्दे लगा के रखना, यानी अंदर कोई खाना खा रहा है वो होटल में या चाय पी रहा है तो बाहर होटल रोज़ेदारों को नज़र नहीं आना, तो उसका पर्दे का इंतज़ाम करते थे होटलों के पर्दे। सन 1950 के बाद औरंगाबाद में कई होटलें शुरू हुई, उन दिनों रमज़ान की पुर रौनक रातों को जगाए रखने वाली औरंगाबाद की यादगार होटलों में सिटी चौक की अजंटा, सिटी चौक की रहमानिया जो बाद में दिलकश कहलाई, सरदार होटल, उस्मानिया होटल, काली मस्जिद के नुक्कड़ पर अनवर खान की होटल और मस्जिद शाहगंज के नीचे वाक़े अल्लाह भला या अल्लाह भला करे होटल थी। शहरी में इन होटलों के पाए बड़े मशहूर थे, आम दिनों में अजंटा होटल के कोफ्तों का सालन और बिरयानी भी मशहूर थी। शाहगंज मस्जिद के नीचे पाए की होटल जिसका नाम कुछ और था, मगर कहा जाता है कि इस होटल को चलाने वाले रुस्तम खान का तकिया कलाम था कि वो हर परेशान हाल को कहते अल्लाह भला करे, जिसकी वजह से ये होटल अल्लाह भला या अल्लाह भला करे के नाम से मशहूर हो गई। सन 1951 में शेख सरदार साहब की शुरू की हुई सरदार होटल रमज़ान में अपने ख़ास पकवान हलीम हरीस पाए और कड़क चाय के लिए मशहूर, आज भी अपनी पहचान बरकरार रखे हुए हैं। अब ये हॉल उस जमाने में उबलता था, जब ये तरावियाँ पढ़ाते थे शाहगंज के, जो बड़ा हाउस है
बिल्कुल 24 घंटे उबलते रहता। नहर का ताल्लुक था उससे पानी का, नल का सवाल ही नहीं था। नहर अंबरी का पानी नहर से आता था और उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ होती थी, कम से कम 4-4, 5-5 किलो की मछलियाँ तैरती हुई नज़र आती थी। और उसके बाद ये लंबा एक छोटा वजू के लिए था, तो उसमें लोग वजू करते थे। बड़ा हाउस जो था उससे भी एक था, तो गर्मी में फिर ठंडी ठंडी हवाएं भी आती थी, लोग नमाज़ें पढ़ते थे। तो बाहर का सैन जो था तो उसके उसमें भी बड़ी अच्छी नमाज़ें आती थी। और जो नमाज़ पढ़ने वाले हाफिज़ साहब के पीछे जो पास्टर ऐसे भी रहते थे कि वो हाफिज़ साहब के यानी तरावी चलती थी तो पीछे के सपना खड़े रहते थे। तो जैसे ही रुकू का वक्त आता था झट भाग के उसमें शरीक होके और रुकू में शरीक हो जाते थे। ऐसे भी नमाज में शरीक होना रहते थे। तरावी, मशहूर खारी और हुफाज की बात की जाए तो कुछ नाम मिलते हैं जो अलग अलग ज़माने में अलग अलग मसाजिद में इमामत किया करते थे। 1860 से 1922 तक हाफिज अबू मोहम्मद मस्जिद शाहगंज में इमामत करते थे। आपके इंतकाल के बाद उनके फरजंद हाफिज मोहम्मद हसन ने इमामत की, जो मुजीबुल्ला और मुहिबुल्ला साहब के नाना थे। हमारे शाहगंज की मस्जिद में थे हाफिज हसन भाई बोलते थे, हाफिज हसन भाई खुलदाबाद के रहने वाले थे। मन रखते हैं इनका मुस्तकिल जो है औरंगाबाद चेलीपुरा जो है बड़काझार चेलीपुर में पप्पू स्टैंड वहाँ रहते थे। वो उनका लिबास बिल्कुल सफ़ेद शेरवान, सफ़ेद शमला और सफ़ेद चूड़ीदार पायजामा, तो बड़ा नूरानी चेहरा था उनका। तो वहाँ उस ज़माने में वो चेलीपुर जब जाते थे तो चेलीपुर की जो दुकानें थी बनियों की, हालांकि हिंदू थे वो लोग, मगर जब इन्हों जाते सामने से बेचारे हिंदू अपने दुकान पर से उतर के ऐसे हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करते थे और उनकी बड़ी कदर करते थे। हालांकि मुसलमान तो करते ही थे और हिंदू में बड़ी कदर करते थे उनको, वो बस दे के अपना सलाम जवाब दे के आगे चले जाते थे। तो उन्होंने जो मैंने रोज़ाना की फजर दुआ सब पाँचों टाइम की नमाज वही पढ़ाते थे और तरावी भी उन्होंने हाफिज थे तो तरावी वही पढ़ाते थे। उस वक्त हाफिज बड़ी मुश्किल से मिलते थे, हाफिज की बहुत कमी थी। तो बाहर के यूपी के दो चार जो भी हाफिज आ जाते थे कहीं भी, तो वो उनके साथ कहीं भी मस्जिद में, मस्जिद आमतौर पर तरावी सिर्फ शाहगंज की मस्जिद, चौक की मस्जिद, जाम मस्जिद, यहाँ पर जो हाफिज की होती तरावी। अब बाकी छोटी छोटी जो मस्जिदें थी उसमें अलम तला का फायदा होता था। तो हाफिज है यहाँ पर, तो यहाँ के एक हाफिज साहब हसन भाई यहाँ के वो 1.5 पारा 1.75 पारा पढ़ा के यहाँ के ख़त्म करने के बाद वो छावनी में टांगे से जाते थे तरावी पढ़ाने, हाफिज हसन भाई, तो वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ाते थे। मस्जिद सिटी चौक में शेख अहमद साहब और उनसे पहले उनके वालिद अपने ज़माने के मशहूर खारी थे। बाद में शेख अहमद साहब के फरजंद हाफिज अब्दुल सत्तार साहब इमाम और ख़तीब जामा मस्जिद, उन्होंने तकरीबन 56 साल जामा मस्जिद में इमामत की। अब्दुल सत्तार साहब के बारे में ये बात तो मशहूर है कि इंतहाई नूरानियत व रूहानियत से भरपूर आपकी खिरात जो उस वक्त के माहौल में गूंजती तो एक वजद तारी हो जाता। इसके अलावा लोटा कारंजा के हाफिज़ अब्दुलमन्नान और मस्जिद सिटी चौक के हाफिज़ फैज़ अहमद का भी जिक्र मिलता है। ईद की तैयारियों से मुतालिक भी ख़ास बातें पता चलती हैं। निज़ाम दौर हुकूमत में पहनावे और ख़रीदी के बारे में वहीदा नसीम लिखती हैं, औरंगाबाद में तेलंगाना से आने वाली औरतों का एक ख़ास तबका आबाद था जो हर तीसरे महीने बम्बई जाती और वहाँ से सामान लाती। उन्हें सुई और पोत वाली के नाम से जाना जाता था क्योंकि शुरुआत में ये सुई, धागे, काली पोत और मोती फरोख्त करने के लिए आती थी। बाद में उन औरतों ने बड़े बड़े टोकरों में चीनी या शीशे के बर्तन और बड़े गट्ठों में आला दर्जे का कपड़ा बम्बई से लाकर औरंगाबाद के घरों में फरोख्त करना शुरू किया। सन 1936 तक उम्दा किस्म का जॉर्जेट और चीनी अतलस, जिसे आम जबान में सैटिन या सैटिन का कपड़ा कहते हैं, 8 आने में एक गज बड़ी आसानी से मिल जाता था। पहले औरतें जो है उस वो अब ज़्यादातर वो शलवार और पंजाबी निकल गया। उधर औरतें जो आमतौर पर साड़ियाँ पहनती थी, साड़ियाँ, लंबे आस्तीन के कुर्ते और वो अच्छे उठे लंबे कुर्ते, छोटे कुर्ते, और वो और कोई जमाने ब्लाउज भी पहनने वाली थे साड़ी के साथ, तो ब्लाउज के इस्तेमाल भी जो है कम था। जैसे जैसे हालात बदल गए तो ब्लाउज और लंबे कुर्ते जो है कम हो गए, ब्लाउज साड़ी के साथ ब्लाउज आ गए, उसके बाद ब्लाउज भी और साड़ियाँ भी ख़त्म हो गई। आजकल जो है पंजाबी शर्ट सलवार आ गया। पहनावे में बड़ी उम्र की औरतों का लिबास साड़ी होता, लड़कियों के लिए कुर्ती, पैजामा और दुपट्टा होता। कपड़ों के रंगों में ज़्यादा किस्म मौजूद नहीं थी। फेरोजी, जर्द, कासनी, हरा और गुलाबी कपड़ों के बुनियादी रंग होते थे।
इन्हीं चार पांच जोड़ों से रंगों और लिबास के 15-20 कॉम्बिनेशन बना लिए जाते थे। अच्छा, औरतों में क्या था, ये इतने भारी भारी साड़ियाँ नहीं होती थी, आमतौर पर गरीब लोग थे, बुला लेते थे मलमल के कपड़े की साड़ी, मलमल का कपड़ा, उसको फिर रंगवाया जाता था, उसकी रंगरेज होते थे वो, और वो रंगरेजन बोल के आती थी, तो उसके पास छापे भी थे, वो छापे से करके या कौन से डिज़ाइन उसके पास रहते थे, रंग ऐसा पुख्ता रंग देते थे वो। लड़कों के लिए शेरवानी, पाजामा और साथ में रूमी टोपी वगैरह होती थी। उस वक्त ज़्यादा पतलून वगैरह नहीं थे, ये पतलून या टी शर्ट वगैरह, कुर्ता पायजामा और शेरवान पहनते, शेरवान रूमी टोपी कहलाती थी, उसको फुन्ना लगा हुआ रहता था, तो वो ये वो रूमी टोपी, शेरवान, कुर्ता पायजामा, ये बच्चों के पाए वो थे। उस वक्त इन्हें पतलून बुशर्ट वगैरह ये चीज़ें नहीं थी, वो बहुत 55-56-57 के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ये आ गया, ये जैसे निज़ाम की हुकूमत ख़त्म हुई तो शेरवानियाँ कम हो गई, शेरवानियाँ लोगों ने घरों में लगा दी, लटका दी, रूपी टोपियाँ बंद हो गई, तो वो रामपुरी टोपी नहीं तो गांधी टोपी लोग पहनने लगे थे। अगर रूमी टोपी की बात हो तो एक दुकान के जिक्र के बगैर ये बात नामुकम्मल या अधूरी होगी। अमीन कचहरी, जो आज सिटी चौक पुलिस स्टेशन है, इसके सामने रूमी टोपी शेरगोला मशहूर पुरानी दुकान थी, जिसके बोर्ड पर लिखा हुआ करता था फतेह शेर खान एंड सन्स कैप एंड शूज मर्चेंट। आज सिटी चौक में जहां ताज फुटवेयर वाक़ है, ये दुकान उसी जगह हुआ करती थी। फतेह शेर खान साहब की दुकान को लगकर एक और दुकान हुआ करती, जो महबूब खान की थी, जहां रूमी टोपियों को इस्त्री या प्रेस किया जाता था। तो उनके पास जो है सांचे थे, रूमी टोपियां जो होती थी ना, उसको इस्त्री कराया जाता था, यानी हर साल जो ईद के मौके पे वो ले जाके, तो अगर जो ज़्यादा मैली हो गई तो उसको धो धुला के उन्हों कलर करके उसको, वो एक सांचा था वो लोहे का, लोहे के सांचे को टोपी पहना देते थे, दूसरा सांचा ढक्कन के जैसा था, उसके ऊपर ढक्कन के जैसा सांचा वो उतरता था, और उसके ऊपर हैंडल था, उसको घुमाते तो जाके उसको प्रेस करता था, तो अपने इस्त्री बहुत अच्छी हो जाती थी, इस्त्री करने के बाद फिर उसको फुनने लगाए जाते थे, तो टोपी के इस्त्री वो धुलाई वगैरह सब मिला के रुपया 12 आने में धुलाई भी हो जाती थी, फुनने भी लग जाते थे, अंदर लोहे की पट्टी वगैरह, अपने छोटी चमड़े की पट्टी थी, गोल से अंदर पसीना दिख पे, यानी टोपी को नहीं लगना बोल के एक सेव करने के लिए वो अंदर से चमड़े की पट्टी दी जाती थी 2.5-3 इंच की, तो वो शेरगोला जमा उस समय ये टोपी मशहूर थी, शेरगोला एक अच्छे खेत की मशहूर। चूँकि लड़कियों को घर और मदरसों में सिलाई की तालीम दी जाती, इसी वजह से उनके कपड़े घर ही में तैयार किए जाते, सिवाय शेरवानी के कोई और कपड़ा दर्जी को ना जाता। काली मस्जिद के पास मीर मोहिद्दीन साहब अपने ज़माने में शेरवानी तैयार करने में मशहूर थे। बिल्कुल सीधे साधे पहनावे घरों में जो सीने वाले घरों में सी लेते थे, बाकी जो है मर्दों के वो दर्जियों वगैरह, दर्जी जो होते थे दर्जी में पहले डाल देते थे, तो उस ज़माने में रेडीमेड का कपड़ा बहुत कम था, बल्कि नई की मिलता था, सब लोग घरों में या दर्जियों सिलवा लेते थे, और वो पहले से देना पड़ता था ईद के बहुत दिन पहले से, नहीं तो उनके पास इतना हो जाता बाद में लेने से इनकार भी कर देते कि अपनी आवाज़ के ज़्यादा रेडीमेड ही ले रहे बच्चे, दर्जी के पास सिलाई कम होगी। औरतें जो बहुत ज़्यादा पर्दा था, पर्दा बहुत ज़्यादा सख्ती थी पर्दे पे, तो औरतें जो है दिन में निकलती भी नहीं थी, उमूमन औरतें रात में बुरखा पहन के निकलती थी, और टांगे में भी जाना है तो वो देख लेते टांगे के पास वाले के पास पर्दे है क्या, तो टांगे को पर्दे लगाते थे, और अगर घर है टांगा जो है करीब नहीं है तो उधर से कोई आने जाने वालों को आदमी कोई खड़े हो जाता था, उधर से आने जाने वालों को रोक देते थे, इधर के आने जाने वालों को रोक देते थे, ठहरिए बोले जनाना सवारियाँ टांगे में बैठ रही बोले, तो फिर वो सब उनका आना जाना ख़त्म हो जाता था, और अगर किसी काम काज भी होता था मकानों के तो उसके ऊपर झाड़ के ऊपर चढ़ के आवाज़ देते थे, झाड़ पे चढ़ रहे गोशा हो जाओ, यानी किसी का गोशा पर्दा बेपर्दगी नहीं होना, तो 2-3 आवाज़ें लगाना पड़ती थी, या छत पे कुछ काम है उनको करने का तो छत पे किसी को जाने का है तो फिर वो एक आदमी ऊपर चढ़ के आवाज़ लगाता, छत पे चढ़ रहे गोशा हो जाओ, छत पे जो 3 आवाज़ें लगाता था, तो वो लोग जिनको गोशा होता ना गोशा हो जाते थे। ईद की तैयारियों में शीरखुरमा और सेवइयों का अहम मुकाम है। निज़ाम दौर हुकूमत में अलग अलग घरेलू सनतें या होम इंडस्ट्रीज़
जिसमें घर की औरतें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, एक आम बात थी। वहीदा नसीम साहिबा लिखती हैं कि आसिफिया दौर में घरेलू सनत जिसमें खुलदाबाद और दौलताबाद की औरतें सबसे आगे थीं, वो सेवैयाँ बनाने का फ़न था। रजब के महीने में ये काम शुरू होता। उम्दा मैदे के ये बेनमक की सेवैयाँ बहुत खस्ता और बारीक होती। खुलदाबाद की सेवैयाँ बहुत मशहूर थी, खुलदाबाद से बहुत सेवैयाँ आती थी और बहुत मशहूर से सेवैयाँ आती थी। वैसे आमतौर पर रमज़ान के दिन में जो रोज़ेदार रहती थी औरतें घर में, अपने घर में सेवैयाँ बना लेती थी, उसमें वक्त निकल जाता था उनका। नहीं, आमतौर उस दिन का ऐसे खास बाजार नहीं हुआ करता था, ऐसा ईद बाज़ार हुआ कि बाज़ार कुछ दिन होता था। जो आमतौर पर जो दुकानें होती थी किराने की, बनियों की या कच्चियों की, तो वो उनके पास से जो है पेंट खजूर खोपरा ड्राई फ्रूट उनके पास से ले लेते थे। 80 और 90 की दहाई में हज़रत निज़ामुद्दीन रोड से शाहगंज और आगे गांधी पुतले तक एक बड़ा दुकानों का बाज़ार लगता, जिसे मीना बाज़ार का नाम दिया गया था। ये बाज़ार मरहूम अमानुल्ला मोतीवाला ने शुरू करवाया था, जो बाद में भी कई सालों तक लगता रहा। तो इससे एक दिन पहले जो तो तैयारी शुरू हुई इनका चांद के लिए, और जैसे ही अपना 29वां रोज़ा है कि 30वां रोज़ा, तो लोग तलाश में तैयार हो जाते चांद देखने के लिए। जैसे चांद नज़र आता था तो बहुत धूमधाम होती थी, तोप होती थी, फिर तोप हो गई तो समझ चांद नज़र आ गया। औरंगाबाद में 3 मशहूर ईदगाहें हैं, जिसमें से बड़ी ईदगाह छावनी, रोज़ा बाग ईदगाह और ईदगाह उस्मानपुरा शामिल है। बड़ी ईदगाह में इमामत जामा मस्जिद के इमाम ही किया करते थे। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब से पहले हाफिज़ मोहम्मद हसन साहब ईदैन पर इमामत किया करते थे। ईदगाह में ईदगाह जो थी वहाँ पर होती थी, उस ज़माने में पब्लिक ज़्यादा नहीं थी, ईदगाह में लोग जाते थे जो, तो वो टांगों से जाते थे या साइकिल रहती थी, ये मोटरसाइकिल नहीं थी, रिक्शे नहीं थे, तो जाते कुछ पैदल ही जाते थे अक्सर। और पैदल लोग उसको आमतौर पर पैदल चलना बोले तो यहाँ से ईदगाह तक लोग पैदल जाते थे, यहाँ से छावनी पैदल जाते थे, उस्मानपुरा पैदल जाते थे लोग, बेगमपुरा पैदल जाते थे। साइकिलें बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी, तो जिसके पास साइकिल है बड़ा किस्मत वाला बड़ा आदमी समझा जाता था। तो वो वहाँ पर ईदगाह को जाना है, अगर जिसके पास साइकिल है तो साइकिलों पर जाते थे, और अक्सर लोग ज़्यादातर पैदल जाते थे ईदगाह। तो ईद की नमाज ईदगाह में होती थी, ईदगाह जो है शाहगंज की मस्जिद में ईद की नमाज़ होती थी, चौक की मस्जिद में ईद की नमाज़ होती थी, बड़ी बड़ी मस्जिदों, छोटी मस्जिदों में जैसे आजकल गली गली में भी जो है बड़ी बड़ी मस्जिदें हो गई, तो वहाँ पर भी आजकल ईद की नमाज़ें हो रही। तो पहले से बड़ी बड़ी मस्जिदें गलियों में इधर आमतौर पर नहीं थी, चौक की मस्जिद, शाहगंज की मस्जिद और ईदगाह। ईद के दिन ख़ास पकवान में शामी, कोफ्ते, शुरखुरमा और सेवियाँ होती थी, और दूध बहुत ज़मान बहुत कम हुआ करता था, तो दूध जो है 2-3 दिन से पहले जमा करना शुरू कर देते थे। तो वो दूध जमा करके गर्म कर करके रखते थे, तो वो इस तरह जमा होता था, दूध इफ्राज से नहीं मिलता था पहले। ये वो दौर था जब व्हाट्सएप और फेसबुक का दूर दूर तक तसव्वुर नहीं था। उसी दौर में अगर किसी को ईद की मुबारकबाद देनी होती तो वो ईद कार्ड का इस्तेमाल करता। मस्जिद सिटी चौक के नीचे मोहम्मद शरीफ साहब की ईद कार्ड की दुकान काफ़ी मशहूर थी। बाद में मशहूर ज़माना लवली कोल्ड ड्रिंक के अरशद खान साहब भी ईद कार्ड की दुकान लगाया करते थे। अगर बैरून शहर किसी को ईद की मुबारकबाद देनी होती तो वो इस कार्ड पर पता लिखकर और स्टैम्प लगाकर पोस्ट कर दिया करता। तो वह ईद कार्ड देते थे, बड़े खूबसूरत आते थे ईद कार्ड, कुछ तो छपे छपाए आते थे, उसके ऊपर दुआएँ रहती थी, कुछ वो शेर शार अशार भी हुआ करते थे ईद के, और वो बाद जो है अपने हाथ से उसके ऊपर तैयार करते थे ईद कार्ड, और ऐसी छोटी छोटी टिश्यू पेपर की जैसे दस्तियाँ होती थी, तो वो उसके ऊपर भी कुछ फूल बेल बूटे होते थे, चांद का नमूना, कोई ऊँट पे बैठ का बैठा हुआ है और वो चांद निकला हुआ है सामने, दुआ कर रहा, उसके ऐसे सीनरी होते थे उसके ऊपर। निज़ाम हुकूमत में एक बड़ा जुलूस शागन से ईदगाह तक निकलता था। इसके बारे में वहीदा नसीम लिखती हैं, जब तक ममलकत आसिफिया रही नौखंडा महल पर चाउश पुलिस का पहरा रहता, जो बिगुल के साथ गद्दी को सलामी देते। नमाज ईद के बाद औरंगाबाद के सूबेदार जुलूस की शक्ल में नौखंडा जाते। एक आलीशान जुलूस शाहगंज की मस्जिद से गुजरते हुए नौखंडा जाता, वहां चाउश पुलिस सलामी देते और सूबेदार गद्दी के पास बैठकर सलामी लेते। इसके बाद तोपों की सलामी होती, फिर लोग ईदगाह के मेले का रुख करते और दोपहर तक खरीदो फरोख्त होती रहती। मुझे याद है
औरंगाबाद ज़िला था पहले से, तो सूबेदार हुआ था होते थे वहाँ पर। मैं जब मुझे ख्याल है गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान बोल के सूबेदार थे, तो वो सूबेदार जो है उनकी कार में निकलते थे, और उसके बाद मनसबदार तालुकदार ये लोग उनके टांगों में निकलते थे, और अरब उरूप बोलते थे उनका, अरब की जमा उरूप, ये जो बंदूक वाली थी भरमार धनाधन धनाधन बंदूक होते थे, तो गलियों के निको लोग निकलते थे अपने घरों पर चलते थे, अरे सवारी आ गई सवारी आ गई, तो सवारी यहाँ से निकल के वो ईदगाह को जाती थी, वो तो ईदगाह में फिर वहाँ पर जो है एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे वो। ईदियों की ईद की ईदी खुशी जमा करते थे, बच्चों को बड़ा शौक था ईदी जमा करने का, हर एक मेरे पास दो पैसे एक पैसा ईदी देते थे, अब जमा होती थी ईदी, बच्चे अपने बताते मेरे पास एक आना हो गया, मेरे पास दो आने हो गए, तो ईदी की यहाँ जा के सलाम करते थे बोलो खाला को ममानी को चची को, तो लियो ना हमारी ईदी, तो बच्चे लेते थे ईदी जमा होती थी। अपने दामाद वगैरह जो है अपने सासन के पास जाते थे, तो उनकी ईदियाँ वहाँ पर होती थी, वो अपनी ईदियाँ जमा करते थे। इन सभी तौर तरीक़ों माहौल और पकवान में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ है जो आज भी बाकी हैं, साथ ही नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन एक ख़ास बात जो हर ज़माने में यकसां या एक जैसी नज़र आती है, वो है औरंगाबाद के रमज़ान और उसकी रौनकें।